Next characteristics of the living beings is the reproduction, which we have to discuss. Reproduction, ठीक है? Reproduction is the process, is the characteristic in which the parent organism, they are able to produce their new progenies. The reproduction is, what is reproduction? It is the production of new organism, organisms by parent organism, ठीक है? तो reproduction जो है, अगर हम कब, generally जब हम reproduction की बात करते हैं, तो we generally talk invariably and implicitly about the sexual reproduction. In general terms जो है, if we talk about the reproduction, in general terms, we talk about invariably and implicitly sexual reproduction, ठीक है, जो generally बात करते हैं. लेकिन अगर type of reproduction देखें, तो यह mainly जो है reproduction, type of reproduction जो है, they are mainly of two type, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction जो होता है, generally it takes place in smaller organism, lower organisms. Sexual reproduction occurs in higher organisms. And in asexual reproduction, only one parent involved. There is involvement of only one parent, whereas in sexual reproduction, there is involvement of two parents. So, asexual reproduction जो होता है, it is uniparental. And sexual reproduction is biparental. It involves two parent. Generally, asexual reproduction occurs in lower organisms. ठीक है? अब asexual reproduction जो होता है, कई तरीके के होते हैं. Asexual reproduction में gamete formation होगा, but there is no gametic fusion. Gametes and spores will be formed here. Gametes form होगा, spores form होंगे. Gametes and spores are produced, but no gametic fusion. इसमें कोई gametic fusion नहीं होगा. लेकिन sexual reproduction में two types of gametes will be produced. Two types of gametes are produced. ठीक है? And इसमें क्या होगा? Gametic fusion होगा. Gametic fusion will take place, which is also known as gametic fusion or the fertilization. So, fertilization is one of the very vital event which takes place in the organisms which perform the sexual reproduction. Now, asexual reproduction jo hota hai, it is of many types. Asexual reproduction, there are many types. कई तरीके के होते हैं, हम शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे. आपको मैंने 12th के टॉपिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें रिप्रोडक्शन मोड्स, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वगैरह सब कुछ हमने उस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है. सो लेट्स सी फ्यू टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट इज फिशन. फिशन भी दो तरीके का होता है. फिशन, फिशन इज टू टाइप. पहला होता है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स में. एक पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट सेल है, इट विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. सो ड्यू, अच्छा, बाइनरी फ्यूजन के दौरान क्या होता है, पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगा. देयर विल बी नो बॉडी पार्ट लेफ्ट टू डाई. फॉर एग्जाम्पल,
लेट्स सी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हो सकता है बैरियर फ्यूजन. इट अकर्स इन बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम. यू प्लीज राइट डायटम्स, डायनोफ्लैजलेट्स, जुगलीना. सो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली, उनमें क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा. सेकेंड टाइप ऑफ फिशन इज मल्टीपल फिशन. ये फर्स्ट टाइप फिशन है. सेकेंड टाइप ऑफ फिशन इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन में जैसे बाइनरी फिशन में एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बन रहे, मल्टीपल फिशन में क्या होता है, एक सेल से कई सारे डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, पहले मल्टीपल फिजन में एक चीज बहुत खास ध्यान देने वाली बात होती है कि पहले जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो डिवाइड होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियर पार्ट्स बनाएगा, और फिर उस न्यूक्लियस के जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनके चारों ओर साइटोप्लाज्म जाके इकट्ठा होगा. मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ. जैसे ये कोई सेल है, इसमें सेल का न्यूक्लियस था, ये साइटोप्लाज्म है. तो अब जब इसको मल्टीपल फिशन करना होगा तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स पार्ट्स में. अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर सपोज दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जा करके ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, गैदर एक्यूमुलेट हो जाता है इसके चारों. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इस सेल वॉल विल रप्चर और ये जो है दिस ऑल सेल विल कम आउट फ्रॉम द सेल. तो एक पेरेंट बॉडी से कई सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस इज मल्टीपल फिशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वी कैन टेक फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में जो फ्रेगमेंटेड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी जो है फ्रेगमेंट से मिलकर बना होता है, देयर फ्रेगमेंट्स विल ब्रेक इनटू टू और थ्री पार्ट्स एंड नाउ ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू डॉटर सेल. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं, स्पायरोगायरा ले. स्पायरोगायरा जो होता है फिलामेंटस एल्गी होता है, यूलोथ्रिक्स आप ले सकते हो, क्लैडोफोरा है. तो स्पायरोगायरा मान लो दिस इज द फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा. ठीक है, इसमें कई सारे सेल्स हैं. अब क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस दिस फिलामेंट विल ब्रेक इनटू मेनी पार्ट्स, कई सारे पार्ट्स में टूट गया. नाउ ईच सच पार्ट इन विच अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इट विल गिव राइज टू द न्यू फिलामेंट, दिस विल गिव राइज टू द न्यू फिलामेंट इस तरीके से. एंड सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. थर्ड टाइप इज बडिंग. बडिंग आपको यू कैन ऑब्जर्व इट इन हाइड्रा. बडिंग कैन बी ऑब्जर्व इन ईस्ट, राइट. तो लेट्स सी द बडिंग इन ईस्ट. ईस्ट के केस में क्या होता है, सपोज दिस इज अ सिंगल सेल ऑफ ईस्ट. अब क्या होगा, ड्यूरिंग बडिंग एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस अपीयर होगा, देर विल बी अपियरेंस ऑफ अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस ऑफ द ऑन द पेरेंट बॉडी. ठीक है, लाइक दिस. फिर तो अभी क्या हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो रहा है. आप ध्यान दे रहे हो इसमें क्या हुआ था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म गैदर हुआ था. ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, अब साइट ये जो प्रोट्यूबरेंस अराइज हो रहा है तो इस प्रोट्यूबरेंस में साइटोप्लाज्म जा रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म क्लीवेज स्टार्ट हो रहा है. इसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होगा, साथ में ये प्रोट्यूबरेंस बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियस इलोंगेट होगा इस तरीके से एंड इट विल एंटर इनटू द प्रोट्यूबरेंस इस तरीके से. और फिर क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा इस तरीके, कॉन्स्ट्रिक्शन पूरा, इट विल डिवाइड द सेल इनटू टू सेल्स. तो ये नया डॉटर सेल फॉर्म हो रहा है और ये जो है पेरेंट बॉडी, पेरेंट सेल, दिस इज पेरेंट सेल. तो बडिंग में हम क्या देख रहे हैं, दिस इज इन द केस ऑफ इस कि जो डॉटर सेल है इट इज रिमेन इंटैक्ट विद द पेरेंट बॉडी. लेटर ऑन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड विल फॉर्म इट्स न्यू इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. बट इन केस ऑफ
budding, we can see the parent cells are present here. ठीक है, but here in case of binary fission हमने क्या देखा था कि parent cell पूरी तरीके से divide हो गया दो daughter cell में, there is no identity of parent cell left, no body part is left to die, right? So this kind of this type of reproduction, asexual reproduction is known as budding. Next type of reproduction is sporulation. कई तरीके के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जूस स्पोर्स है, कोनीडिया है, जूस स्पोर जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, कोनीडिया ये फ्लैजिलेटेड होता है. कई बार क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गैमेट्स होते हैं, पहले हम स्पोरुलेशन देख लेते हैं. स्पोरुलेशन मीन्स बाय रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, है ना. तो स्पोर्स में भी जू स्पोर्स, द सेकेंड स्पोर्स में भी कोनीडिया. अब जू स्पोर जो होता है इट इज फ्लैजिलेटेड स्पोर्स एंड कोनीडिया इज नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर, इसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता. तो जू स्पोर क्या होगा, इट इज मोटाइल. जू स्पोर जो है मोटाइल होगा और फ्लैजिला कोनीडिया विल बी नॉन मोटाइल, है ना. कोनीडिया जो है नॉन मोटाइल रहेगा, ठीक है. जू स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली. एंडोजीनस प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, दे आर एंडोजीनस इन ओरिजिन एंड कोनीडिया आर एक्सोजीनस इन ओरिजिन. मैं आपको बताती हूं एंडोजीनस ओरिजिन क्या होती है. जैसे ये सेल है, यहां देखो आप, यहां पे हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक्सप्लेन है कि सेल के अंदर ही कोई, सेल के कंटेंट से क्या हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ उसके चारों ओर, साइटोप्लाज्म बना. तो अब जो पेरेंट बॉडी जो अराइज हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, इट इज प्रोड्यूस्ड एंडोजेनेटिकली, एंडोजीनसली, ठीक है. इसी तरीके से जू स्पोर ऐसे फॉर्म होंगे. अब ये छोटे छोटे मान लो अगर हम स्पोरेंजियम देखते हैं, जो स्पोर बॉडी मदर बॉडी पेरेंट बॉडी जो होती है उसमें ये है, अगेन उसके न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म बनेगा इस तरीके से, है. और उसके बाद जो सेल वॉल होगी, जो सेल हाँ जो कवरिंग होगी, ये वाटर सो करके इट विल रप्चर एंड दे विल कम आउटसाइड. नाउ दे प्रेजेंट फ्लैजिला, जू स्पोर्स दे प्रेजेंट फ्लैजिला, तो दे विल कम आउटसाइड लाइक दिस. तो इस तरह की ओरिजिन जो विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट दैट इज नोन एज एंडोजिनस. कोनीडिया फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लो दिस इज द कोनीडियोफोर, ये कोई कोनीडिया प्रोड्यूस्ड होता है ऑन द रिसेप्टिकल सपोज, है. तो ये अब ये है जो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, इट विल ग्रो एंड फॉर्म स्मॉल प्रोट्यूबरेंस एंड फॉर्म द कोनीडिया. इस तरह से छोटे छोटे कोनीडिया बनते चले जाएंगे और एक एक कोनीडिया बाद में कटता चला जाएगा. तो वो दिस प्रोडक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द कोनीडियोफोर, ऑन द आउटर बॉडी आउटर सर्फेस ऑफ द फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ द फिलामेंट और द हाइफी दिस कोनीडिया आर प्रोड्यूस. तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर्स आर नोन एज द एक्सोजीनस, ठीक है. अब है स्पोरुलेशन के बाद, मैंने बताया था कभी कभी कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं, कुछ गैमिट्स होते हैं जो कि जर्म स्पोर्स की तरह काम करते हैं, वो जर्मिनेट होंगे विदाउट फ्यूजन, ठीक है. देयर आर समटाइम सम गैमिट्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. तो दे फंक्शन लाइक स्पोर्स, तो वी कैन कॉल देम स्पोर्स ऑल्सो. इनको स्पोर्स भी बोल सकते हैं उन गैमेट्स को. एंड सच टाइप ऑफ स्पोर्स आर नोन एज पार्थेनोस्पोर और एजाइगोस्पोर, ठीक है. पार्थेनोस्पोर और या फिर एजाइगोस्पोर. When gametes function like spores and it germinate and give rise to a new organism, then they are known as parthenospore or azygospore. Next type of asexual reproduction is regeneration.
रीजेनरेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट बचा रह गया, पेरेंट किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का कोई भी बॉडी पार्ट अगर बचा रह गया है, तो उससे क्या होगा, नई बॉडी पार्ट बन सकती है या नया का नया पूरा नया इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द रीजेनरेशन प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म ओनली. इट इज नॉट, दिस कैपेसिटी इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. लाइक हाइड्रा, रीजेनरेशन कैपेसिटी इज प्रेजेंट इन हाइड्रा, प्लेनेरिया. ठीक है, तो क्या होता है रीजेनरेशन में कि इनकी बॉडी पार्ट का कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट बचा रह गया, ठीक है, इट विल डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. और अगर इफ देयर विल बी एनी लॉस इन देयर बॉडी पार्ट, सपोज मैं हाइड्रा हूं एंड ए हाथ कट गया, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के केस में क्या होता है, वी कैन नॉट रीजेनरेट. बट इन केस ऑफ हाइड्रा दिस बॉडी पार्ट, दिस जो कटा हुआ हाथ है, दिस कैन बी जनरेटेड फर्दर, राइट. सो with the help of totipotent cells, with the help of, so such type of mode of asexual reproduction is known as regeneration. So regeneration अब इस basis पे कि या तो ये complete body part बना रहा है या फिर ये जो lost body part है उसको फिर से repair कर रहा है. इस basis पे regeneration क्या होता है, दो तरीके का होता है, morphoaxis एंड एपीमॉर्फोसिस. मॉर्फोलैक्सिस एंड एपीमॉर्फोसिस. मॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल. तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रू रीजेनरेशन. रीजेनरेशन एट अ कंप्लीट बॉडी इज फॉर्म, कंप्लीट बॉडी और न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. राइट, एपीमॉर्फोसिस में क्या होगा, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है, जैसे कि छिपकली आपने देखा है, छिपकली की पूंछ कट के गिर जाती है, कई बार ऐसा होता है, तो अब उसकी पूछ फर्दर रीजेनरेट होती है बाय दिस प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन. तो वहां पे क्या हो रहा है, जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हुई थी उसको फिर से रीजेनरेट किया. पूछ चिपकली की जो टेल थी वो लॉस्ट हुई थी, इट इज फर्दर रीजेनरेटेड. सो सच टाइप ऑफ रीजेनरेशन इज नोन एज एपीमॉर्फोसिस. तो इट इज फॉल्स रीजेनरेशन एंड इन दिस टाइप द लॉस्ट बॉडी पार्ट इज फॉर्म्ड. लॉस्ट बॉडी पार्ट इज फॉर्म्ड. सो दिस इज नोन एज एपीमॉर्फोस एंड दिस अदर टाइप्स ऑफ द रीजेनरेशन. प्लेन एरिया में क्या होता है, जब मां सपोज दिस इज द कंप्लीट बॉडी ऑफ प्लेन एरिया. अब ये कई टुकड़ों में कट गया, ठीक है, तो हर पार्ट, मान लो हमें सेंट्रल पार्ट दे रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट जो है, दिस सेंट्रल पार्ट विल प्रोड्यूस न्यू बॉडी पार्ट. ठीक है, और एपीमॉर्फोसिस में मतलब क्या है कि लॉस्ट बॉडी पार्ट विल बी रिप्लेस, विल बी फॉर्म. अब सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं. अब हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इज देयर, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म, इन हायर प्लांट, हायर एनिमल्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट इज टेकिंग प्लेस इन हायर प्लांट्स हायर एनिमल्स. क्या सारी एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, क्या जितने भी ह्यूमन कपल हैं वर्ल्ड में, आर दे एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड? नो, देर आर सर्टेन स्टराइल ह्यूमन कपल्स विच आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड. दे हैव टू अडॉप्ट द चाइल्ड आइदर और नॉट. सो देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर द रिप्रोडक्शन इज एबसेंट. There are few example where reproduction is absent. For example, in sterile
ह्यूमन कपल जो स्टराइल ह्यूमन कपल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वर्कर बी हनी बी का हनी बी की फैमिली का एक मेंबर होता है वर्कर बी जो कि स्टराइल होता है। उसके अलावा म्यूल हिन्नी आपने देखा होगा म्यूल म्यूल कैसे प्रोड्यूस होता है। म्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉसिंग बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स मेल डोंकी एंड हम इसको यहां देखते हैं म्यूल हाउ म्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड दे आर द क्रॉसिंग प्रोडक्ट ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स सो दीज म्यूल्स दे आर इनफर्टाइल। उसी तरीके से हिन्नी हिन्नी कैसे प्रोड्यूस होता है हिन्नी कैसे जब प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द क्रॉसिंग बिटवीन फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स बट दे आर ऑल्सो दे बोथ आर स्टेराइल। तो ये भी स्टेराइल है दे के नॉट म्यूल से म्यूल हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हिन्नी से हिन्नी नहीं पैदा कर सकते हिन्नी से हिन्नी पैदा नहीं होता म्यूल से म्यूल पैदा नहीं होता। हाउ दे आर प्रोड्यूस वेन वी परफॉर्म क्रॉसिंग बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स देन वी गेट म्यूल एंड द फीमेल डोंकी एंड हॉर्स वी गेट हिन्नी। सो there are various examples where the reproduction is absent. Now tell me whether the reproduction is a defining feature or not. Yesterday in the last lecture we have discussed that defining features are those features which are present only in the living organisms and absent in totally and totally absent in all the non-living objects. So now on that basis you can easily quote that reproduction is the process which is the non-defining feature of living organisms, right? So now the question arises ki reproduction is defining feature or not. So it is a non-defining feature because reproduction is absent in certain higher animals, absent in certain couples, worker bee and so many places are there. So it is answer is non-defining feature because reproduction is absent in certain organisms like sterile human couple worker bee mules hinnies etc. So this is all about the reproduction. Next important characteristic feature of living organism is metabolism. Metabolism. What is metabolism? It is the sum total of all the chemical reactions taking place inside a body of the organism. So it is the sum total of all chemical reactions taking place inside the body of an ऑर्गेनिज्म। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इट कैन बी ब्रेकडाउन रिएक्शन इट कैन बी सिंथेसिस रिएक्शन मीन्स
कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर सिंपलर मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल टुगेदर दे फॉर्म द सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. तो इस तरीके से जो मेटाबॉलिज्म होता है इट इज ऑफ टू टाइप. मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दे विल ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस. राइट डाउन. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन केस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है, स्टोर्ड फूड होता है, ये जो है 6H12O6, इट विल बी मेटाबोलाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड विल गिव राइज एनर्जी. तो इट विल ब्रेक डाउन एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ग्लूकोज. इट विल ब्रेक डाउन इन द सिंपलर मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड विल गिव राइज टू द एनर्जी. सो दिस इज द कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसमें सिंथेसिस होती है. दिस इज ब्रेक डाउन रिएक्शन एंड एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस रिएक्शन. यहां पर क्या होगा? जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस, विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. विल सिंथेसाइज. तो यहां पे आप कह सकते हो कि कैटाबॉलिज्म जो है ये ब्रेकडाउन रिएक्शन है एंड एनाबॉलिज्म इज सिंथेसिस रिएक्शन. वी कैन टेक एग्जाम्पल हेयर ऑल्सो. एग्जाम्पल photosynthesis, that is the formation or the synthesis of carbohydrate here, starch there. यहां पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद वॉटर मॉलिक्यूल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट एंड क्लोरोफिल एंड दे विल गिव राइज टू द So this is here is the synthesis taking place from the simpler molecules. It is synthesizing the complex molecule. अब growth के term, growth का और metabolism का अगर हम reaction देखते हैं, अगर जो है anabolism जो है catabolism से ज्यादा रहेगा, if the rate of anabolism is more than catabolism, then it will show the positive growth. क्यों? क्योंकि anabolism synthetic reaction show कर रहा है. It is synthetic मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन रिएक्शन. तो इफ एनाबॉलिज्म इज द रेट ऑफ एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म, क्या होगा? सिंथेसिस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ब्रेकडाउन. तो नेट रिजल्ट क्या होगा? सिंथेसिस, जो भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे वो परसिस्ट करेंगे, तो क्या होगा? इट विल शो पॉजिटिव ग्रोथ, है ना? तो क्या होगा? इंक्रीज इन, पहले बोलेंगे अगर कैटाबॉलिज्म ज्यादा है, एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से, तो इट शोज इंक्रीज इन मास एंड इट शोज पॉजिटिव ग्रोथ. इफ एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, देयर द मास रिमेन सेम, mass remain
सेम, तो क्या होगा, नो चेंज इन ग्रोथ, ग्रोथ में कोई चेंज नहीं होगा. अगर एनाबॉलिज्म इज लेसर देन कैटाबॉलिज्म तो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से वो सिंथेसाइज, वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नाउ देयर इज नो सिंथेसिस इज लेसर देन द ब्रेक डाउन, देन मास विल रिड्यूस एंड इट शोज नेगेटिव ग्रोथ इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी. सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो रिलेटेड विद द कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड विद द ग्रोथ. अब क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में परफॉर्म होता है? नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो परफॉर्म करना है, मेटाबॉलिज्म हमेशा कहाँ होता है, केमिकल रिएक्शन हमेशा कहाँ हो रहे हैं, दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दे आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेलुलर स्ट्रक्चर. मेटाबॉलिज्म हमेशा कहाँ परफॉर्म होगा, इट इज परफॉर्म इनसाइड अ सेल. टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म एज सेलुलर स्ट्रक्चर इज वेरी मच एसेंशियल. So it is not taking place inside the outside the cellular structure, outside the cellular body. In non-living object, there is no cellular structure is present. That's why metabolism cannot take place there in the non-living objects. Now, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ metabolic reactions ऐसे होते हैं जिसको कि अगर हम in vitro perform करें in the lab, then they are taking place in that condition also. जैसे मान लो सुक्रोज है, सुक्रोज को, सुक्रोज जो है इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इनसाइड द सेल. सुक्रोज है ये डाइसेक्राइड, इट विल फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स. ये बॉडी, ये सेल बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है, सेल के अंदर. अगर हम इसको परफॉर्म करें, अब क्या होता है, सुक्रोज ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन आर दे आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑल्सो, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑल्सो. तो अगर मान लो हम एक टेस्ट ट्यूब लें और एक टेस्ट ट्यूब में सुक्रोज ले, दिस इज सुक्रोज, और इसमें हम इन्वर्टेज एंजाइम डालें टेस्ट ट्यूब में, सुक्रोज के साथ इन्वर्टेज एंजाइम डालें, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज भी बनाएगा और फ्रुक्टोज भी बनाएगा. तो टेस्ट ट्यूब में भी सेम रिएक्शन हो रहा है. अब यहां पे क्या हो रहा है, दे आर इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, दे आर इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, सो दे आर नॉट द लिविंग, दे आर नॉट द लिविंग सब्सटेंसेस. केमिकल कंपाउंड्स तो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ना, बट ऑल दोज केमिकल कंपाउंड्स आर नॉट लिविंग सब्सटेंसेस. But yes, they perform the living reactions. ये क्या है, ये एक living reaction है. किसी body में sucrose जो है divide होगा और वो catabolize होगा और वो glucose fructose बनाता है. तो this is the living reaction because it is taking place inside the cell, inside the body of the organism, and the body of the organism, the cell is living. तो ये living reaction हो रहा है. This living reaction is also performing here in the test tube in vitro, but these substances are not the living substances. These are not the living substances, but they are performing the living reaction. So, अगर कहीं metabolism perform करता है, perform कर रहे हैं in vitro, outside the body, in the lab, then the substances are the living, are not the living substances, but the reaction is the living reaction, right? अब हमें ये बताओ कि मेटाबॉलिज्म जो है, इज इट अ डिफाइनिंग फीचर और नॉट? मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग, इसको हम लिख सकते हैं, दीज सब मेटाबॉलिज्म परफॉर्मिंग in vitro, so the substances are not living things, these substances are not the living things, but
they perform living reactions. Perform living reactions. So metabolism जो in vitro में जो in vitro condition में जो test tube में reaction perform कर रहे हैं तो वो जो reactants हैं they are not the living things. Reactants are not the living things, but the reaction is the living reaction. ठीक है? Now tell me, metabolism is a defining feature or not? No, metabolism is a defining feature because it is not taking place inside the body of the non-living objects. It is only taking place inside the body of the living cells. So metabolism is a defining feature. Defining feature क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किसी सेलुलर बॉडी में हो रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, नॉट इट इज नॉट टेकिंग प्लेस आउटसाइड द सेलुलर बॉडी. अब इसीलिए यहां पे ये बताया है कि जो यहां पे जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में, सो जो रिएक्टेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेज यहां पे विच आर टेकिंग प्लेस इन द इन दिस रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन, दे आर नॉट द लिविंग सब्सटेंसेज, दे आर इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, but they are performing the living reactions because such reaction is also taking place inside the body of the organism. Now ye ho gaya. Next ek aur characteristic hoti hai, cellular structure. Ab aap batao, cellular structure is a defining feature or not? To cellular structure defining feature hai kyunki metabolism is can also take place inside the can only take place inside the cell of an organism, on organism's body. It cannot take place outside the cell. Therefore, cellular structure is a defining feature. And one more important point in regarding this point is that there is no cellular organism present in non-living objects. Non-living objects mein koi cellular organization nahi hota. Isiliye cellular structure is also a defining feature. Right? The next most important and the last characteristic feature of the living organisms are consciousness, or it is the ability to sense the environment and respond to the stimuli accordingly. So this consciousness, it is the most obvious, important and technically complicated feature of all living organisms, but it is totally absent in non-living objects. Now in all organisms, from eukaryotes to the highly complicated from prokaryotes to highly complicated eukaryote, they can sense and respond to environmental cues. Jitne bhi environment mein stimuli honge usko wo sense karenge, jaise ki jitne bhi all living organisms hote hain, all living organisms, they can sense all the three types of the stimuli: physical stimuli, chemical stimuli, and biological stimuli. ठीक है? जितने भी living organisms हैं, हम जैसे कि हम human beings हैं, temperature बढ़ रहा है, घट रहा है, sunlight तेज आ रही है, या जैसा भी weather atmosphere का, इसको हम properly feel करते हैं और उसके हिसाब से हम respond करते हैं. उसी तरीके से plants होते हैं, जैसे मान लो plants में leaves में क्या होता है, phytochrome present होते हैं जो sunlight को accept करके they synthesize a biochemical florigen, and florigen which now stimulate the flowering in the plant. So in this way plants also respond to the external stimuli, and also respond to the light, to the temperature, to the wind speed. So you can see that चाहे हम हो, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे और भी एनिमल्स होंगे, जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज. नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं जो कि कुछ दे लाई इन कोमा, कोमा में कुछ पेशेंट्स पड़े होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान कोमा में होता है, जनरली दे आर केप्ट ऑन द वेंटिलेटर, देयर कार्डियक सिस्टम, देयर
pulmonary system, their lungs and the hearts, they are kept on the ventilator. तो वो वेंटिलेटर के जरिए वो लोग क्या होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं, बट आर दे लिविंग और डेड? सो नाइदर दे आर लिविंग नॉर डेड, अदरवाइज दे आर ब्रेन डेड. सच पेशेंट्स आर कॉल्ड एज द ब्रेन डेड. सो यू कैन राइट दिस कि पेशेंट लाइंग इन कोमा इज नाइदर लिविंग nor non-living, otherwise brain dead. अब आप हमें ये बताओ कि मैंने जैसे बताया कि consciousness जो है ये non-living objects में है, बिल्कुल नहीं present होता, they do not show any stimuli, any response to the stimuli. So, is the consciousness is a defining feature or not? Yes, it is a defining feature. Consciousness is a defining feature. Kyunki it is only present in the living organism. They are absent in the non-living object. Now, out of the five characteristics, we have discussed growth, we have discussed reproduction, we have discussed metabolism, cellular structures and consciousness. Okay? Out of these five, how many are their defining feature? So, metabolism, cellular structure and consciousness, these three are defining features. And growth and reproduction, they are non-defining features. आप higher classes में, जैसे कि मैंने एकदम शुरुआत में ही topic के शुरुआत में ही बताया था कि कोई भी living organism, किसी की भी body survive जो करती है, जो भी body में हमारे reactions होते हैं, जो भी functions हम perform करते हैं, they all are due to the interactions between the different system of the body, the interactions, and it occurs, this interactions, it occurs at various level, it forms a hierarchical organization. Jaise ki maine shuru mein bataya tha, jo biomolecules hote hain, unke interaction se it will arise the protoplasm and the cell organelles. Protoplasm and cell organelles ke interaction se kya hoga, arise hoga, cells arise honge, cells ke interaction se tissue arise honge. Is tarike se ek hierarchical arrangement hota hai. Isi tarike se हमारे एनवायरमेंट में भी क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मेनी ऑर्गेनिज्म, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट देयर. अब हमें उन सारे आपस में दे इंटरैक्ट टुगेदर टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट. सो दीज आर फ्यू फीचर्स वी हैव डिस्कस्ड विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद द टैक्सोनॉमी पार्ट ऑफ द टॉपिक.